देखिए पुलिस के द्वारा हटाया जा रहा है, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं है। पुलिस बोलते हम लोग तोड़फोड़ थोड़ी करने आए, अपना मांग रखने आए, हम लोग थोड़ी तोड़फोड़ करने के लिए आए। हम लोग अपना मांग हम लोग को बजा के हम लोग लिखित घोषित कर दिया जाए, हम लोग चल। कोर्ट के आदेश के बाद यह एग्जाम हुए है। और मैं एक विडम्बना बता देती हूँ कि तीस लाख स्टूडेंट आइए कनक मैम। तो देख सकते हैं कि अभी इन लोगों को बिहार बोर्ड के अंदर बुलाया जा रहा है। नमस्कार, बिहारी प्रतिभा न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के बिहार बोर्ड के पास है और यहाँ पे स्टेट कॉमर्स का रिजल्ट जारी करने को लेकर यहाँ पे अभ्यर्थी जो है यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं और अभ्यर्थियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अभ्यर्थियों का क्या कहना है। कहाँ से आए, क्या नाम है? हम लोग समस्तीपुर से आए हैं। हम प्रश्न और 2011 में कॉमर्स की बहाली हुई थी, उसके बाद 11 वर्ष बाद फिर कॉमर्स का बहाली स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी 6 मार्च को एग्जाम हुआ है जिसमें 2 सेंटर का कैंसिल हुआ, एक छपरा और एक पटना। और अभी 2 मंथ होने जा रहा है, फिर भी न छपरा का री एग्जाम हुआ है न पटना का एग्जाम हुआ है। और बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो अगर बीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग कॉमर्स वाले वंचित रह जाएंगे इससे। तो रिजल्ट देख सकते हैं कि एक तरफ इधर पुलिस बल भी तैनात है तो दूसरी तरफ अभ्यर्थी भी तैनात है। अरे हम लोग ये चाहते हैं, 12 साल के बाद ही लोग एग्जाम लिया है, उसमें 8,000 बच्चा फॉर्म भरा था, उसमें से इन लोगों को 2 सेंटर का एग्जाम कैंसिल करना पड़ गया। 8,000 बच्चों को समझिए जो एग्जाम ले नहीं पाता है, ये लोग कहते हम 10 लाख का एग्जाम लेंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं जो 2 सेंटर का कैंसिल जो हुआ है उसका एग्जाम लेके हम लोगों को रिजल्ट जारी कर दिया जाए ताकि हम लोग बीपीएससी में शामिल हो जाए। अरे पुलिस बोलते हम लोग क्या तोड़फोड़ थोड़ी करने आए, अपना मांग रखने आए, हम लोग थोड़ी तोड़फोड़ करने के लिए आए। हम लोग अपना मांग हम लोग को बजा के हम लोग लिखित घोषित कर दिया जाए, हम लोग चल जाएंगे। हम तोड़फोड़ नहीं करने आए, हम लोग मांग मान जब हम ही लोग तोड़फोड़ करने लगेंगे तो हमें और दूसरे में क्या अंतर रह जाएगा। देख सकते हैं कि इधर पुलिस से बातें हो रही है, क्या बात है? हम लोग रिजल्ट के लिए आए हैं। पुलिस बल भी तैनात, पुलिस बल तैनात है, उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग 6 मार्च को ही एग्जाम लिया गया था स्टेट कॉमर्स का और कोर्ट के आदेश पर लिया गया था, और हम लोग इस बहाली में शामिल करना था। देखिए पुलिस के द्वारा हटाया जा रहा है, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं है। विगत 6 मार्च 2023 को कॉमर्स एसटीटी का एग्जाम हुआ है, 2 माह बीत गया है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और आने वाले शिक्षक नियोजन जो बीपीएस के द्वारा आयोजित की जाएगी उसमें एसटीटी देख सकते हैं कि पुलिस बल एक तरफ तैनात है तो दूसरी तरफ अभ्यर्थी भी तैनात है। बात करने के लिए 2 आदमी को बुलाया गया स्टेट कॉमर्स रिजल्ट के बारे में। सर ठीक है नहीं भाई, हम लोग काहे के लिए हटाने, उनकी मांग को आप लोग हटाने नहीं जा रहे हैं। मिलवाने के लिए वहाँ मजिस्ट्रेट साहब डिपुट है, वहाँ डिपुट मजिस्ट्रेट साहब, वहाँ मजिस्ट्रेट साहब मिलवाने। तो देख सकते हैं कि मिलवाने के लिए लेके जाया जा रहा है इन लोगों को। यार कुछ समस्या का समाधान हाँ लग तो रहा है, उम्मीद है कि हाँ हो, हटाना नहीं करना है। हम लोग मांग, हम लोग अपनी मांग को लेकर दिया जा रहा है। तो इधर दिखा दीजिए थोड़ा, कैमरामैन से कहेंगे फोकस करके इधर दिखाइए कि एक बगल पुलिस बल तैनात है तो दूसरे तरफ अभ्यर्थी भी तैनात है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अभ्यर्थी जो है अपने मांगों को लेकर यहाँ पे डटे हुए हैं। अभी हम लोगों को पुलिस से अभी अंदर बातें हुई हैं, उनको बुलाया गया है, 2 लोग गए हैं हमारे तरफ से बात करने के लिए, देखते हैं क्या उधर से निकल के आता है। क्या लग रहा है समस्या का समाधान जी? समस्या का समाधान उम्मीद करते हैं सरकार से यही कि समस्या का समाधान हो, अन्यथा और भी रौद्र रूप देखने का, छात्र एकता और भी बढ़ती जाएगी, जन सैलाब और बढ़ता जाएगा। आगे आगे मांगो कॉमर्स एसटीटी का रिजल्ट जारी करो। आगे मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? अरे मांग नहीं पूरी, हम लोग तो मांग रखिए रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? फांसी लगा लेंगे ना, तो कहबे नहीं करें। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं जो हम लोग को शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं भाई। हम लोग का मांग सुनिए, हम लोग रिजल्ट दीजिए, हम लोग बीपीएससी में जाएंगे, फॉर्म भरेंगे। ये 12 साल के बाद अभी एग्जाम लिए हैं, उसके बाद अभी 2 सेंटर कैंसिल हुआ, उसका एग्जाम लेकर हम लोग रिजल्ट दीजिए, हम लोग फिर फॉर्म भरेंगे बीपीएससी का। हम लोग का देखिए, हम लोग यहाँ तोड़फोड़ करने के लिए नहीं आए, हम लोग शांतिपूर्ण रख के छुट्टी हुई सरकार को जगाने के लिए आए। सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि कोर्ट के आदेश के बाद यह एग्जाम हुए है, और मैं एक विडम्बना बता देती हूँ कि तीस लाख स्टूडेंट आइए कनक मैम। तो देख सकते हैं कि अभी इन लोगों को बिहार बोर्ड के अंदर बुलाया जा रहा है ताकि इन लोगों का समस्या का समाधान हो सके। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये स्टेट कॉमर्स के अभ्यर्थी हैं जो कि अंदर जा रहे हैं अपने समस्याओं का समाधान कर स्टेट रिजल्ट जारी करने के लिए। क्या बातें होती है, अभ्यर्थी निकलेंगे तो हम आपको बताएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहारी प्रतिभा न्यूज़। धन्यवाद।